गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम संजय कुमार सिंह फ्रॉम सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, भोपाल. टुडे इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट 4, दैट इज थ्योरी ऑफ फेल्योर, विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग 3 थ्योरीज, दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ये 3 थ्योरी हम यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे. इससे पहले ऑलरेडी 2 थ्योरी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैंकाइन थ्योरी. सेकेंड थ्योरी था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड गेस्ट्रेस्का थ्योरी. तो यहाँ बाकी के 3 थ्योरी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. स्टेटमेंट सिमिलर, यहां नाम से क्लियर है क्या है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट भेनांट थ्योरी. तो सिमिलर पहले वाले में जहां मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस था वहां उसके जगह हम रिप्लेस कर देंगे प्रिंसिपल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस के जगह रिप्लेस कर देंगे नॉर्मल स्ट्रेन. तो ये स्टेटमेंट बन करके तैयार हो जाएगा, कोई नया नहीं है, सिर्फ 2 वर्ड चेंज करना है सारे स्टेटमेंट्स में. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी यानी कि सेंट भेनांट थ्योरी ये क्या बोलता है कि अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है, अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है यानी कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ, अगर किसी बॉडी पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उस केस में अगर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू, उस केस में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू अगर सिंपल टेंसाइल टेस्ट के मैक्सिमम नॉर्म यील्ड पॉइंट के स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा तो उस समय जो मेंबर है वो फेल हो जाएगा. यानी कि इट स्टेट्स दैट इफ ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, इफ ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, देन इफ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट. यानी कि सिंपल टेंसाइल टेस्ट जो हम यूटीएम से करते हैं, तो सिंपल टेंसाइल टेस्ट जो हम सिंपल टेंसाइल टेस्ट जो हम यूटीएम से करते हैं, तो यूटीएम में जो यील्ड पॉइंट का जो स्ट्रेन है, यील्ड पॉइंट का जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का जो वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है कब, इन केस ऑफ सिंपल टेंसाइल टेस्ट. अगर बॉडी पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है, बॉडी पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन होगा, अगर वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू अगर सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन है अगर उसके बराबर हो जाएगा तो मेंबर जो है फेल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंट भेनांट. तो यहाँ इसको पढ़ें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेल्योर ऑफ मटेरियल विल ऑकर व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन इज नथिंग बट नॉर्मल स्ट्रेन, एप्सिलॉन 1 इन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम अटेन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट. यानी कि बॉडी पर जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है,
उस केस में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू अगर सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन जो है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का जो वैल्यू है, अगर इसके बराबर हो जाएगा तो मेंबर जो है फेल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंट वेनांट। नाउ अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर वन में कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में जो मैक्सिमम स्ट्रेन, यहाँ सिग्मा एक सिग्मा वाई टाउ लग रहा है बॉडी पर, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसमें, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू में, यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस में हमने कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, मेंबर सब्जेक्टेड टू बायएक्सियल स्ट्रेस, एक डायरेक्शन में सिग्मा वन दूसरे डायरेक्शन में सिग्मा टू। तो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि व्हेन मेंबर सब्जेक्टेड टू बायएक्सियल स्ट्रेस देन स्ट्रेन इज इक्वल टू, तो यहां से मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेन के लिए सिंबल यूज करते हैं एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा वन बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा टू बाई ई। ये यूनिट वन में हम इसको डिराइव कर चुके हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो बॉडी पर अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उस केस में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वन इज इक्वल टू सिग्मा वन बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा टू बाई ई। दूसरा सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में मैक्सिमम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा वाई पी, यानी कि स्ट्रेस एट इल पॉइंट। लेकिन हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस ई ई इनटू स्ट्रेन दैट इज एप्सिलन। तो यहां हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेन एप्सिलन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई ई। तो यहां से स्ट्रेन एट इल्ड पॉइंट, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन एट इल्ड पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस एट इल्ड पॉइंट बाई यंग्स मॉडुलस, यानी कि स्ट्रेन एट इल्ड पॉइंट इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई ई। तो सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू कितना है, सिग्मा वाई पी बाई ई। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू कितना है, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वन बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा टू बाई ई। सेंट वेनांट ये बोलता है कि अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन का जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन है, अगर सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन है अगर इसके बराबर हो जाएगा, दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो मेंबर फेल हो जाएगा। तो ये है स्टेटमेंट सेंट वेनांट का। अब इसको मैथमेटिकली हम आगे देखें, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन सिंपल टेंसाइल टेस्ट में क्या हो जाएगा, स्ट्रेस एट इल्ड पॉइंट बाय ई। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वन इज इक्वल टू सिग्मा वन बाय ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा टू बाय ई। जहां सिग्मा वन क्या हो जाएगा, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ से सिग्मा वन, ये हो गया सिग्मा टू। तो सेंट वेनांट के अकॉर्डिंग अगर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन अगर सिंपल टेंसाइल टेस्ट के नॉर्मल स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन वाई पी के बराबर हो जाएगा तो मेंबर फेल हो जाएगा, यानी कि फेलियर ऑकर्स इफ एप्सिलॉन वाई पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन। तो इस फेलियर को अवॉइड करने के लिए, फेलियर कैन बी अवॉइडेड, फेलियर कब हम बचा सकते हैं, जब एप्सिलॉन वन का वैल्यू एप्सिलॉन वाई पी से कम हो जाए। अब एप्सिलॉन वन का वैल्यू एंड एप्सिलॉन वन का वैल्यू एप्सिलॉन वाई पी का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद कॉमन लेकर के यंग्स मॉडुलस को हम कैंसिल कर दिए तो क्या बचा, सिग्मा वन माइनस म्यू इंटू सिग्मा टू इज लेस देन सिग्मा वाई पी,
यानी कि ये कंडीशन अगर होगा तो मेंबर फेल नहीं होगा। अब कितना लेस, कितना कम फेलियर को अवॉइड करने के लिए, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट डिवाइड बाई सिग्मा वन माइनस म्यू इंटू सिग्मा। तो अकॉर्डिंग टू सेंट वेनांट थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई सिग्मा वन माइनस म्यू इंटू सिग्मा टू, जहाँ सिग्मा वन इज इक्वल टू ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा टू इज इक्वल टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थ्योरी आएगा तो यहाँ तक लिखेंगे ओवर। न्यूमेरिकल सॉल्व अगर करना है इसके बेसिस पे तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू सेंट वेनांट थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई सिग्मा वन माइनस म्यू इंटू सिग्मा टू। सेंट वेनांट थ्योरी, ये थ्योरी न तो डक्टाइल मटेरियल के लिए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है न तो ब्रिटल मटेरियल के लिए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है, इसलिए जनरली हम डिजाइन जब करते हैं तो सेंट वेनांट थ्योरी का यूज हम नहीं करते, लेकिन सिलेबस में हमको पढ़ना है इसलिए हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। नाउ फोर्थ थ्योरी इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड बेल्ट्रामी हेग थ्योरी। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ नॉर्मल स्ट्रेस था वहाँ उसको हम रिप्लेस कर देंगे स्ट्रेन एनर्जी से, उसको हम रिप्लेस कर देंगे स्ट्रेन एनर्जी और टोटल स्ट्रेन एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे, तो बेल्ट्रामी हेग का स्टेटमेंट बन करके तैयार हो जाएगा। सेम यहाँ बेल्ट्रामी हेग ये बोलता है कि अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उस केस में अगर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू और टोटल स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है अगर उसके बराबर हो जाएगा तो मेंबर जो है फेल हो जाएगा, यानी कि इफ ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस देन फेल्यूर ऑकर्स इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ और टोटल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट, अगर इसके बराबर हो जाएगा तो मेंबर जो है वो फेल हो जाएगा। तो यहां से कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो ये होता है, स्ट्रेन एनर्जी के लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल यू, तो यू मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू बाई टू ई इंटू वॉल्यूम। सिंपल टेंसाइल टेस्ट में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी एट यील्ड पॉइंट का वैल्यू होता है सिग्मा वाई पी का स्क्वायर बाई टू ई इंटू वॉल्यूम। अब ये दोनों वैल्यू अगर बराबर हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू बेल्ट्रामी हेग थ्योरी मेंबर जो है वो फेल हो जाएगा। तो नाउ अब इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू बेल्ट्रामी हेग थ्योरी इनकी मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट, यानी कि यू मैक्स या यू वाई पी इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा वाई पी का स्क्वायर बाय टू इंटू ई यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू बाय टू ई इंटू वॉल्यूम। अब जहाँ सिग्मा वन इज इक्वल टू ये सिग्मा टू इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू बेल्ट्रामी हेग थ्योरी मेंबर फेल होगा कब, जब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू यील्ड पॉइंट के स्ट्रेन एनर्जी के बराबर हो जाएगा। फेल्यूर को अवॉइड करने के लिए हम क्या करना होगा कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू यील्ड पॉइंट के स्ट्रेन एनर्जी से कम होना चाहिए, यानी कि यू मैक्स शुड बी लेसर देन यू वाई पी। नाउ अब यू मैक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू बाई टू,
शुड बी लेसर देन सिग्मा वाई पी का यू वाई पी का वैल्यू सबमिट कर दिए, तो ये सिग्मा स्क्वायर वाई पी बाई टू ई, दोनों तरफ से टू ई को कैंसिल कर दिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू, राइट 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 हैंड साइड में बचा सिग्मा वाई पी का स्क्वायर, यानी कि फेलियर को अवॉइड करने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। अब फेलियर को अवॉइड करने के लिए फिर हम यूज करते हैं टर्म फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा वाई पी बाई अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू। तो यहाँ बेल्ट्रामी हेग थ्योरी ओवर। बेल्ट्रामी हेग थ्योरी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है डक्टाइल मटेरियल के लिए, लेकिन गेस्ट्रेस का थ्योरी एंड वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी की तरह एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। तो गेस्ट्रेस का थ्योरी एंड वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, लेकिन बेल्ट्रामी हेग थ्योरी का यूज भी हम डक्टाइल मटेरियल के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू बेल्ट्रामी हेग थ्योरी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये हमको फॉर्मूले रिलेशन याद रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू बेल्ट्रामी हेग थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी, जहाँ सिग्मा वाई पी क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस एट इल्ड पॉइंट, सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू, जहाँ सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। सिग्मा वन का वैल्यू हम इस रिलेशन से निकालेंगे, सिग्मा टू का वैल्यू हम इस रिलेशन से निकालेंगे। Now, last theory, this is fifth one, fifth one, maximum shear strain energy theory or distortion energy theory, or it is also called von Mises-Hanke theory. अब पहले वाले स्टेटमेंट में जहाँ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस था उसके जगह मैक्सिमम सीयर स्ट्रेन, जो यहाँ नाम लिखा हुआ है मैक्सिमम सीयर स्ट्रेन एनर्जी, तो उसके जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे सीयर स्ट्रेन एनर्जी, दोनों वर्ड को हम यहाँ चेंज कर देंगे, ये स्टेटमेंट बन करके तैयार हो जाएगा। वॉन माइसेस-हैंके की थ्योरी ये बोलता है कि अगर किसी मेंबर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो वो मेंबर फेल हो जाएगा जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी है उसके वैल्यू के बराबर होगा तो मेंबर जो है वो फेल हो जाएगा। यहाँ से पढ़ लें स्टेटमेंट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और डिस्टर्शन एनर्जी और वॉन माइसेस-हैंके थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर ऑफ मटेरियल विल अकर व्हेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम अटेन्स द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट। तो सिंपल टेंसाइल टेस्ट कंडीशन में जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का जो वैल्यू होता है, शियर स्ट्रेन एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस बाय 6 इनटू जी, जहां जी क्या है शियर मॉडुलस इनटू वॉल्यूम, यानी कि शियर स्ट्रेन एनर्जी एट यील्ड पॉइंट इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट का स्क्वायर बाय 6 इनटू शियर मॉडुलस इनटू वॉल्यूम। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू होता है सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू बाय 6 इनटू जी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू वॉन माइसेस-हैंके थ्योरी अगर ये जो वैल्यू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी है, अगर सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी है अगर इसके बराबर हो जाएगा तो मेंबर जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये है वॉन माइसेस-हैंके की थ्योरी। अब इसको हम मैथमेटिकली देखें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट में मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है,
सिग्मा वाई पी का स्क्वायर बाई सिक्स जी इंटू वॉल्यूम। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू बाई सिक्स जी इंटू वॉल्यूम, जहां सिग्मा वन इज इक्वल टू ये, सिग्मा टू इज इक्वल टू ये। अकॉर्डिंग टू वॉन माइसेस हैंकी, अकॉर्डिंग टू वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी, फेल्यूर ऑकर्स इफ जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एनर्जी का जो वैल्यू है वो सिंपल टेंसाइल टेस्ट के में यील्ड पॉइंट के शियर स्ट्रेन एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो मेंबर फेल हो जाएगा। फेलियर को अवॉइड करने के लिए, फेलियर को बचाने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी है इसका वैल्यू यील्ड पॉइंट पर जो शियर स्ट्रेन एनर्जी है इससे कम होना चाहिए। अब दोनों का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से 6g कैंसिल, या सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू शुड बी लेसर देन सिग्मा वाई पी का स्क्वायर टू अवॉइड द फेल्योर। अब इसके लिए हम कितना कम, इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अकॉर्डिंग टू वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी यानी कि स्ट्रेस एट यील्ड, नॉर्मल स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट बाय अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू। वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी बेस्ट रिजल्ट देता है फॉर डक्टाइल मटेरियल, सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी। तो ये था पांच थ्योरीज, जो कि इसमें से कोई दो या तीन थ्योरी आपके एग्जाम में 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी इसका न्यूमेरिकल भी आता है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये पांचों थ्योरी का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रिलेशन है ये हमको याद होना चाहिए, इससे हम न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।